आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं प्राइम उत्तर प्रदेश की। ज्ञानव्यापी मामले में अब बड़ी खबर सामने आई है। कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा को कार्यमुक्त कर दिया गया है। आपको बता दें कि अजय मिश्रा को जानकारी लीक करने के मामले में कार्यमुक्त किया गया है, जिसके बाद अब बाकी दो कमिश्नर कोर्ट को सर्वे रिपोर्ट देंगे। वहीं रिपोर्ट देने के लिए कमिश्नरों को 2 दिन का समय दिया गया है। आजम खान की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। आजम खान की जमानत अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। आजम खान की अंतरिम जमानत पर कोर्ट फैसला करेगी। यूपी सरकार ने आजम को जमानत देने का विरोध किया है। यूपी सरकार की तरफ से एएसजी राजू ने कोर्ट में दलील दी। उन्होंने कहा, आजम खान बयान दर्ज कराने के दौरान धमकी दे रहे हैं। आजम खान ने केस के आईओ को धमकी दी और कहा, सरकार आई तो बदला लूंगा। एएसजी ने बताया कि आजम खान ने कहा, परेशान करने वाले किसी को नहीं छोड़ने वाला हूं। जिनका बचाव करते हुए आजम खान के वकील कपिल सिब्बल ने कहा, आजम खान 2 साल से जेल में बंद है। फरुखाबाद में अवैध अतिक्रमण हटाओ अभियान के अंतर्गत बुलडोजर चलाया गया। यह अभियान नगर मजिस्ट्रेट दीपाली भार्गव के नेतृत्व में एक बड़े स्तर पर चलाया जा रहा है। शहर के लाल गेट से शुरू हुए इस अभियान के दौरान मधुबन होटल की अवैध अतिक्रमण की दीवार को तोड़ने पर काफी हंगामा हुआ। होटल के मालिक ने नगर पालिका के कर्मचारियों को कोर्ट में देख लेने की धमकी दी। लखनऊ की सर्विलांस टीम ने 13 लाख रुपए की कीमत के 51 ऐसे मोबाइल फोन बरामद किए हैं जो गिर गए थे या चोरी हो गए थे, जिसके बाद मोबाइल स्वामियों ने मामले की शिकायत लखनऊ पुलिस और सर्विलांस सेल में की थी। सर्विलांस सेल एक्टिव मोड में आई और 51 मोबाइल फोन को बरामद किया। सभी मोबाइल को DCP मध्य कार्यालय पर मोबाइल स्वामियों को वापस लौटाए गए। उनकी सर्विलांस टीम द्वारा जो लोगों के फोन गुमशुदा हो जाते हैं और उस पर कार्रवाई करते हुए आज 51 फोन बरामद किए गए हैं। विभिन्न क्षेत्रों से हैं, जगह जगह से, जहाँ जहाँ गुमशुदगी लिखी गई थी, इन लोगों ने काफी मेहनत करके इनको बरामद किया। मुरादाबाद में सिविल लाइन थाना क्षेत्र में भारत कम्युनिस्ट पार्टी के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता एक पीड़िता के साथ भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले कुछ युवकों ने एक लड़की का रेप किया था। मामले में 4 आरोपी जेल जा चुके हैं, लेकिन अभी भी 3 आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर चल रहे हैं। पीड़िता की माँ का कहना है कि वो लोग DM ऑफिस के बाहर हड़ताल पर बैठे हैं और जब तक आरोपियों को जेल नहीं होती वो वहीं बैठे रहेंगे। आज बलात्कार किया गया था, 7 लोगों ने करा था। 4 लोग पकड़े गए हैं, 3 लोग ने पकड़े गए हैं अभी। वो 3 लोग जो है कौन कौन है, क्या क्या नाम है उनके? गुलाम जिलानी, जिसान और फैज भी, ये 3 लोग नहीं पकड़े गए हैं, खुलेआम घूम रहे हैं, लेकिन मुरादाबाद की पुलिस पकड़ नहीं रही है इन्हें। ये पुलिस मिला हुई है इनसे, तीनों से। आपने इसकी शिकायत पुलिस अधिकारी से करी थी, लेकिन की कह कुछ जवाब देते नहीं है। हमारे तो चप्पल, हम तो क्या कहना है, जाते जाते थक गए हैं और अभी तक कोई गिरफ्तार नहीं हुआ तीनों। खबर मैनपुरी के थाना घिरौर क्षेत्र की है, जहां दबंगों ने एक फौजी की पत्नी के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया। आपको बता दें कि देर शाम फौजी की पत्नी दवा लेकर घर लौट रही थी, जहां दबंगों ने उसे दबोच लिया, जिसके बाद खेतों में तमंचे के बल पर 2 लोगों ने महिला के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया। वही घटना की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस पीड़िता को थाने ले गई और उससे पूछताछ शुरू कर दी, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है। आपको बता दें कि दबंग गांव के ही पूर्व प्रधान है। सर, इनके साथ जो रेप हुआ है, मेरे साथ अनजान नंबर से कॉल आई थी जी। वहाँ मुझे बताया गया है कि
मतलब आपका नंबर दिया है, आप यहाँ पहुँचिए, यहाँ रेप की घटना हो गई है आपकी जेठानी के साथ। सर मैं वहाँ जल्दी से पहुँची, जब मैं वहाँ पहुँची थी तो वहाँ दो गाड़ियाँ पुलिस की आ चुकी थी जी, 100 नंबर की। मैंने क्योंकि मैं हड़बड़ाहट में मैंने ये नहीं देखा कौन कौन सी गाड़ियाँ हैं पुलिस की, लेकिन 100 नंबर गाड़ी मैंने देख रखी थी। उसके बाद थोड़ी देर वेट किया, एक गाड़ी और आई पुलिस की, तीन गाड़ियाँ इनको उठा के वहाँ से लेके गई, इनका बयान लिया कैसे क्या हुआ। बयान लेने के बाद एक बार और आए एसपी सर, उन बोले कि वो बयान लेंगे, उनको तहरीर दिखा दी गई, तहरीर लिखवा दी गई, सब कुछ कर दिया गया, बोले वेट करो, लेकिन मेरी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। ये पूर्व प्रधान और वर्तमान प्रधान की आपसी रंजिश और लड़ाई है। इससे पहले पूर्व प्रधान ने वर्तमान प्रधान और उसके भाइयों पर रेप का मुकदमा दर्ज कराया था। आज कल जो है वर्तमान प्रधान ने एक महिला को खड़ा करके फिर उसके अगेंस्ट दर्ज कराया है। अभियोग तो दर्ज कर लिया गया है, लेकिन जो सही है। खबर मैनपुरी से है, जहां थाना क्षेत्र के रसूलाबाद शादी समारोह में डेकोरेशन लगाने जा रहे युवक को दबंगों ने घेर लिया और युवक के साथ गाली गलौच करने लगे। उसके बाद युवक को लाठी डंडों से मार पीट कर बुरी तरह से घायल कर दिया, जिसके बाद युवक के सिर में गंभीर चोटें आई। पीड़ित की आवाज सुनकर राहगीर मौके पर पहुंचकर युवक को बचाया और पीड़ित को इलाज के लिए ले गए, जिसके बाद पीड़ित ने पूरे मामले की तहरीर पुलिस को देकर न्याय की गुहार लगाई। खबर उन्नाव से है, जहां आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक बार फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला। एक्सप्रेसवे पर एक स्लीपर बस के ड्राइवर को नींद आने की वजह से बस डिवाइडर से टकराकर पलट गई। हादसे में बस में मौजूद 40 से ज्यादा यात्री घायल हो गए, जबकि 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। आपको बता दें कि पुलिस और प्रशासन अधिकारियों ने रेस्क्यू कर घायलों को अस्पताल में भेजा, वहीं 2 मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बस आ रही थी जयपुर से, वो बस जो संभाल में ड्राइवर को नहीं रहा, एकदम से वो देने की तरफ पलटी मार गई। अच्छा, बस में कितने लोग सवार थे? 250 लोग। आज दिनांक 17/5/2022 को लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर जयपुर से समस्तीपुर को जा रही डबल डेकर बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें 3 लोगों की मृत्यु हो गई है और 22 लोग घायल हैं। घायलों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है, इसमें से कुछ लोगों को यहाँ से जो है पायलट मेडिकल कॉलेज भी रेफर किया गया है। आज आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर एक बस की दुर्घटना हुई, जिसमें 26 लोग घायल थे, उनको तत्काल CSC बांगरमऊ ले जाया गया, जिसमें से 22 लोगों को उन्होंने रेफर किया था जिला अस्पताल के लिए। जिला अस्पताल में भी आने पर कुछ लोगों की ज़्यादा कंडीशन गंभीर होने पर उन्हें कानपुर यहाँ के डॉक्टर्स ने रेफर किया है। सभी घायलों का समुचित उपचार के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। कानपुर भी हमने अपने डॉक्टर्स भी भेजे हैं, ताकि गठन के लगभग 24 साल बाद दीवानी न्यायालय को अपना निजी भवन मिला है। अब तक भिनगा तहसील और किराए के भवन में संचालित जिला कोर्ट सिविल लाइन में निर्मित दीवानी न्यायालय के नए भवन से संचालित होगी, लेकिन निर्माण कार्य की धीमी गति के चलते ये अब तैयार हुआ है। हालांकि अभी अधिवक्ताओं के बैठने के लिए चैम्बर नहीं बन सका है। रायबरेली में नालों पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ नगर पालिका का बुलडोजर चलाया गया। नगर पालिका ने कार्रवाई करते हुए घर के बाहर नालों पर बने पक्के निर्माण को बुलडोजर से तोड़ दिया। वहीं नगर पालिका के कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर आशीष सिंह का कहना है कि ये अभियान पूरे शहर में चलाया जाएगा। आज हम लोगों ने जवाहर विहार कॉलोनी में जिन लोगों ने भी नाले नालियों के ऊपर पक्का निर्माण कर अतिक्रमण कर रखा था, उस अतिक्रमण को हटाते हुए नाला और नाली की सफाई की कार्रवाई करवाई है और ये कार्यक्रम पूरे शहर में चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्री नगर विकास जी के आदेश के क्रम में शहर में जहाँ पर भी नाले नालियों के ऊपर अतिक्रमण है, अवैध अतिक्रमण है, उसको हटवा करके हम लोग नालियों की सफाई करवा रहे हैं, जिससे कि आगामी वर्षा ऋतु को देखते हुए जलभराव की समस्या। सिद्धार्थनगर के बिसोकहर निवासी प्रभात जायसवाल ने मजदूरों के बच्चों को शिक्षा से जोड़ने की मुहिम शुरू की है। उन्होंने एक ईंट भट्टे पर काम कर रहे 36 बच्चों को पेड़ की छांव में शिक्षा देने का फैसला किया।
उनका कहना है कि उनका लक्ष्य उन्हें शिक्षा देना नहीं बल्कि शिक्षा के महत्व को बताना है। अच्छा, और स्कूल है लेकिन आप पेड़ के नीचे पढ़ रहे हैं। क्या है? कौन पढ़ा रहे हैं आप लोगों को? सर पढ़ाता है, सरनी कुमार। तो बेटा पढ़ाई कर रहे हैं वो पेड़ के नीचे, कौन पढ़ा रहे हैं आप लोगों को? शिवम सर, राहुल सर। कितने दिनों से आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं? एक हफ्ता से। इससे पहले आप लोग क्यों नहीं पढ़ाई करते? नहीं जानते। अच्छा, आप पढ़ाई करते हो, कौन कौन पढ़ा रहे हैं आपको? शिवम सर, सर्वेश सर। कितने दिन से आप लोग पढ़ाई कर रहे हो? 8 दिन से। बहुत अच्छा लग रहा है पढ़ने पढ़ाने में, पढ़ता है। इससे पहले आप लोगों के बच्चे क्यों नहीं पढ़ते? इतना पैसा नहीं था तो पढ़ाने के लिए विद्यालय में, यहाँ से पढ़ा सकते हैं। हम लोग का बच्चा पढ़ता है तो अच्छा लगता है। हम भी गरीब आदमी हैं, पढ़ाने में बहुत अच्छा लग रहा है, पढ़ाता है तो। क्या चाहते हैं आप कि आपका बच्चा क्या करे? आगे बढ़े, पढ़े। हमारे साथी, हमारे छोटे भाई हैं शिवम कौशल जी, राहुल। खबर रायबरेली के लालगंज विकास खंड से है, जहां एक गांव के इंडिया मार्का हैंडपंप से दूषित पानी निकल रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि हैंडपंप चलाने पर पानी के साथ कीट पतंगे निकल रहे हैं, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं गांव के लोग पानी पीने को लेकर काफी परेशान है। पंखी के पंख निकल रहे हैं। कितने दिन से? 4-5 दिन से। इस नलके से लगभग कितने लोग पानी भरते हैं? अरे भरते हैं 27-28 घर। दादी, क्या नाम है आपका? कलावती। कहाँ रहतू है? अमलियापुर। आप जब नल है आपके गांव में, उसमें पानी भरती हैं आप, तो उसमें क्या निकलता है? पंखी निकलती है। कैसे पता चला कि पंखी निकली? पानी भीतर रहे तो जाने मिलेगा। अच्छा, कितने लोग पीते हैं इस नल का पानी? अरे सब पी रहे हैं, टोला मोहल्ला। काफ़ी दिन हो चुके हैं इस टंकी को लगे हुए, कम से कम 3 से 4 साल हो चुके हैं। और उसके बाद ये ऊपर वाली टंकी ख़राब हो गई थी, फूट गई। उसके बाद फिर इसमें बिजली कनेक्शन हो गया है, और उसके बाद फिर जो कनेक्शन है वो किसी घर पे लगा हुआ है, और वो उन्हीं के घर पे स्टार्टर मोटर सब कुछ है। जब मर्जी होती है तो वो चलाते हैं, जब मर्जी नहीं होती तो वो नहीं चलते। ये जो सोलर पैनल वाला योजना नहीं चल रही थी आज के 3-4 साल पहले, तब लगा था ये। जब लगा था तब कितने लोग प्रभावित थे? मतलब कौन जल प्रयोग कौन कौन करते थे, कितने लोग? लगभग लगभग खबर संभल के असमोली थाना क्षेत्र से है, जहां आए दिन अवैध खनन होता रहता है, जो कि खनन माफिया ट्रैक्टर ट्रॉली से मिट्टी भरकर दिन दहाड़े रोड पर नजर आते हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करता। जबकि असमोली क्षेत्र के गांव मुबारकपुर में आए दिन अवैध रूप से खनन होता रहता है, लेकिन पुलिस प्रशासन खनन माफिया के सामने मौन बना रहता है। देखना यह होगा कि खनन माफिया के खिलाफ कार्रवाई आखिर कब होगी। आज लखनऊ में बड़े मंगल की धूम देखने को मिली। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहा, कई जगह भंडारों का आयोजन किया गया। कोरोना काल के बाद इस बार बड़ी धूमधाम के साथ बड़ा मंगल मनाया जा रहा है। भक्तों में बड़ा उत्साह देखने को मिला। बता दें कि लखनऊ में बड़े मंगल की परंपरा 400 साल से ज्यादा पुरानी है। उत्तर प्रदेश के ज्यादातर जिले भयंकर गर्मी से जूझ रहे हैं। इस बार बांदा में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ रही है। बांदा में तापमान 43 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं लखनऊ का तापमान 41 और गाजियाबाद में 39 डिग्री दर्ज किया गया, जहां पिछले करीब एक हफ्ते से प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में जबरदस्त तपिश का दौर चल रहा है और उमस बढ़ने के कारण लोग गर्मी की दोहरी मार सहन करने को मजबूर है। अगले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के कुछ हिस्सों में जबरदस्त तपिश और लू का दौर जारी रहने का अनुमान है। इसके अलावा पूर्वी और पहाड़ी हिस्सों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश या गरज चमक के साथ कुछ छींटे पड़ने की संभावना है। बता दें कि पश्चिम के हिस्सों में मौसम आमतौर पर सूखा रहेगा। प्राइम उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।
आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।